कितनी बार बचाओगे उसे? कितना बचाओगे उसे? कितनी बार उसके जिंदगी और मौत के बीच दीवार बनोगे तुम? अब तो उस लड़की ने सब कुछ जान लिया है, मेरे सारे राज जान चुकी है वो, मेरा सारा सच जान चुकी है वो, मेरा सारा अतीत। और इससे पहले कि वो मेरा अतीत सबके सामने लाए, मैं उसे ही अतीत बना दूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। वो सब ठीक है मॉम, लेकिन वो आदमी कौन था? वो आदमी मेरी जिंदगी के काले राज का हिस्सा था, जो पिछले 7 सालों से किसी को नहीं पता। और इसके लिए वो हर महीने मुझसे रकम भी लेता था, अच्छी खासी। पर आज उसने शक्ति और गायत्री के सामने सब कुछ बक दिया, बिक गया उनके हाथों। अच्छा वो मर गया। जो मंदिरा कश्यप के साथ धोखा करता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। मॉम, एक सेकंड, वो मर गया, लेकिन मॉम पूरा। अरे बाबा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? डोंट वरी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। तुम तो जेल में हो ना, और जब तुम जेल में हो तो तुम जेल से किसी को गाड़ी से कैसे उड़ा सकते हो, राइट? करेक्ट। अच्छा वो लेकर आया जो मैंने कहा था? ऑफ कोर्स, लाता हूँ। ये लीजिए, डाल दो। अब ना कोई राज बचा है, ना कोई राज का सबूत। इस गाड़ी के साथ गायत्री और शक्ति के अरमान भी चलकर राख हो गए। जितने भी हाथ पैर मार लो शक्ति, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मंदिरा कश्यप को हराना इतना आसान नहीं है। अब क्या करेंगे? ये आदमी हमारा एकमात्र सहारा था, जो मंदिरा का सच सामने ला सकता था। इसके जाने के साथ सब कुछ खत्म हो गया। घूम फिर के हम वही आ गए, सब खत्म। माँ, माँ शांत हो जाइए, कुछ खत्म नहीं हुआ। और आपके नाम पर ही जितने दाग लगे हैं, हम उन्हें मिटा कर जाएंगे। हम पे भरोसा रखिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फोन, फोन का क्या? बिल्कुल खराब हो गया, और इसके साथ साथ वो वीडियो भी जो हमारा सबूत था, सब खत्म हो गया। माँ, लेकिन वो वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया था मंदिरा को उस आदमी को पैसे देते हुए, वो तो हमने डॉक्टर शिव को भेज दिया था ना। शिव अब तक आया क्यों नहीं? पता नहीं, हमें लगता है कि डॉक्टर शिव का हमारी बात पे भरोसा नहीं है। क्या उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या फिर कोई कहानी बना रहे हैं? इतने मुश्किल से तो सबूत हाथ लगे थे, इतने मुश्किल से उस आदमी को तैयार किया था और वीडियो बनाया, उससे इकरार करवाया कि ये सब कुछ मंदिरा ने किया है, गौरी की मौत की जिम्मेदार में मंदिरा है।
हम निर्दोष हमारा सब सबूत खत्म हो गया। माँ ध्यान से सुनिए, अगर वो वीडियो हमारे पास होता भी ना तो भी जरूरी नहीं है कि हम कुछ खास कर पाते, क्योंकि जितना बड़ा आरोप आप पे लगा है ना, उस वीडियो के सहारे हम डॉक्टर शिव को पूरा भरोसा नहीं दिला सकते थे। अभी इतना टाइम हो गया, डॉक्टर शिव तो घर भी चले गए होंगे। हम एक काम करते हैं, उनसे घर जाके बात करते हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि एक बार हम उनके आमने सामने बैठ के बात करेंगे ना तो वो हमारी बात से कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन घर जाने से पहले हमें कहीं और जाना है, क्योंकि अब हम जो बात करेंगे वो सारे प्रूफ और फैक्ट्स के साथ करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ हमारे साथ है, मंदिरा का पर्दाफाश हम कल करके ही रहेंगे। मानना पड़ेगा तुम्हें शक्ति, हिम्मत तो तुम में सच में बहुत है। मुझे बेवकूफ बनाया तुमने, मुझे बेवकूफ बनाकर घर में छुपी रही, मेरा पीछा किया, यहां तक कि मेरे सच तक पहुंच गई तुम। वो सच जिसके बारे में आज तक मैंने किसी को भनक भी नहीं होने दी। पर क्या फायदा, तुम्हारे सारे मंसूबों को तो मैंने जला दिया, अब तुम कुछ प्रूफ नहीं कर पाओगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अब कल होगी शिव शक्ति और गायत्री की बर्बादी, कल की शिवरात्रि बनेगी तुम तीनों की मौत की रात्रि। टेंशन और शक्ति हो जाएगा, फोन का सारा डाटा रिकवर हो जाएगा। पक्का ना भैया, देखिए ना फोन बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, इसमें से कुछ भी रिट्रीव करना आसान नहीं होगा। अरे फोन अगर ट्रक के नीचे भी आ जाता ना तब भी डाटा वापस मिल जाता। हमारा एक दोस्त है, इन कामों में बहुत तेज है, रोज का काम है उसका, मिल जाएगी वीडियो तुम्हें। भैया ये वीडियो मिलना बहुत जरूरी है, इस वीडियो पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस वीडियो से ये साबित होगा कि मां निर्दोष है, कि गौरी दी की मौत में उनका कोई हाथ नहीं था, और इस वीडियो से ये भी साबित होगा कि डॉक्टर शिव जिस चाची को अपनी मां जैसे मानते हैं ना वो असल में क्रिमिनल है। इसलिए भैया सब आपके हाथ में है कि वीडियो प्लीज हमें निकाल के दे दीजिए। अरे सक्तूरी बेटा तू फिक्र मत कर, हां इसने बोला ने कि हो जाएगा मतलब हो जाएगा, कुछ तो काम करे, ऐसे भी आजकल उसका ध्यान इधर उधर ज्यादा रहता है, हो जाएगा फिक्र मत कर। बस एक बार ये सच्चाई सामने आ जाए तो मेरी रिमझिम उस वांदरे की आंख पर इस मंदिरा की भक्ति की जो पट्टी बंधी है ना वो उतर जाए। उसे लगता है कि उसकी बहन उसके माँ बाप सब उसके दुश्मन है, उसे ये पता चलेगा कि वो उसके अपने दुश्मन तो वो मंदिर आए। मैं खबर न तो कह दू सिर्फ उसके दुश्मन नहीं है वो तो पूरे परिवार की दुश्मन है। मनोहर माजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम समझते हैं कि जब बच्चे मां से नाराज होते तो मां के दिल पे क्या बीतती, ये हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। इतने सालों से हम अपने बच्चे की एक मुस्कुराहट के लिए तरस गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बुरे हैं, बस थोड़ा सा भटक गए, और उन्हें भटकने वाली सिर्फ और सिर्फ वो मंदिर है। देखिएगा जिस दिन मंदिरा की सच्चाई सामने आ गई ना आपके रिमझिम अपने सगी माँ के पास दौड़ी भागी चली आई। आपके मुंह में घी शक्कर समधन जी, आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा होगा ना
तो मैं सोमनाथ जी को शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। मेरी बेटी मेरे पास आ जाए, मेरी बेटी मुझे मिल जाए। उस मंदिर वाले ना कई रिश्ते तोड़े, प्यार से जुड़े परिवारों को तोड़ के रख दिया उसने, हर किसी को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। लेकिन अब बस, अब वो समय आ गया है जब मंदिरा को उसके कर्मों की सजा मिले। खबर ना तो कह दू, उसे ऐसी सिंपल वाली सजा नहीं मिलेगी है? देखना सोमनाथ जी ना उसको कैसी सजा देते, वो फैंसी है ना, ऐसी फैंसी सजा मिलेगी ना उसे, वो मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़ेंगे कीड़े उसमें। अरे उसे तो दस्त हो जाएंगे डायरेक्ट, और फिर वो ऐसी ऐसी चलती है ना, ऐसी चिकनी चुबड़ी, ऐसी 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 कमरी ऊपर अटक जाएगी। इनकी पल्स कम होती जा रही है, ऑक्सीजन देनी होगी, मास्क। मंदिरा भाभी ने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया? अगर शिव मर गया तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में तो हम ही फुदकते हुए दिखेंगे। भगवान, सबको पता चल जाएगा हम ही शिव के कैबिन में गए थे, हमने शिव को इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से अब उसकी ये हालत हो गई है। मंदिरा भाभी ने तो हमें जेल पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। नहीं नहीं पद्मा, तुम ऐसे चक्कर में नहीं फंस सकती। उन्होंने हमें फंसाया है, वही हमें बचाएगी। पद्मा दीदी, शिव सच में मरवर तो नहीं गया? काश ऐसा हो, कम से कम एक खुशखबरी तो मिले मुझे आज। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, करीब गिरी थी और गिराई गई थी। गिराई गई थी, ये सारा कांड जो रचा है ना वो मंदिरा कश्यप ने रचा है। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, हाँ तो नहीं है। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। सुंदरी दीदी, डॉक्टर शिव का है? शिव भैया तो हॉस्पिटल से नहीं आए भाभी। नहीं आए क्या? रोज तो इतने समय तक वो वापस घर लौट कर आ जाता, फिर आज आज क्या हो गया? माँ माँ कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्टर शिव ने अभी तक हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, पर ना ही वो हॉस्पिटल से वापस आए हैं। नहीं आया? कौन नहीं आया? क्या बात है, क्या हुआ? वो शिव अब तक हॉस्पिटल से लौट के नहीं आया। तो हॉस्पिटल में बिजी होगा। अरे जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बीवी के पल्लू से बंधे रहना जरूरी नहीं होता। बिजी होगा हॉस्पिटल में, आ जाएगा। नहीं कुछ तो गड़बड़ है, बात जितनी सिंपल लग रही होती सिंपल है नहीं।
क्या? शक्ति, शक्ति क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? हॉस्पिटल से फोन था, डॉक्टर शिव बेहोश हो गए और अब आईसीयू में। क्या बेहोश हो गया? चंद्रो गाड़ी निकाल। मैं चलिए इनकी कंडीशन तो धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर शिव, शिव रुकिए रुकिए प्लीज, आप अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब हमें जाने दीजिए, हमारा बच्चा अंदर है। हाँ प्लीज हटो, हमें जाने दो प्लीज। हाँ डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर शिव की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए हम उनकी बीबी हैं, हम तो अंदर जा सकते हैं ना प्लीज। आप तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हैं। क्यों? बेहोशी की हालत में वो आप ही का नाम ले रहे थे और आपका अंदर जाना उनको ट्रिगर कर सकता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो बार बार हमारा नाम इसलिए ले रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम उनके पास हो। आप ही उल्टा साइकोलॉजी मत चलाइए हमारे साथ, और आप हमें अंदर जाने से बिल्कुल नहीं रोक सकते। और हमें भी, ये उसकी पत्नी और हम उसकी माँ, हमें अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके फाइन, आप लोग अंदर जाना चाहते हैं ठीक है चले जाओ, लेकिन मैं उनका डॉक्टर हूँ, वो मेरे पेशेंट हैं। आप लोगों से ज्यादा मैं उनकी कंडीशन अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शक्ति जी को देखकर उन्हें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, उनकी जान भी जा सकती है। शट अप। कैसी बातें कर रहे हो? अरे पेशेंट है वो आपके, आपको हमें इस समय पे सबको उम्मीद देनी चाहिए और आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अम्मा हम यहीं थे, हम आज यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि अस्पताल जाके हम अपने शिव से मिल लें, पर जब हम उसके केबिन में गए तो हमने देखा कि शिव वहाँ पे बेहोश पड़ा था। हम तो घबरा गए और हमने जाके डॉक्टर साहब को बुलाया, है ना डॉक्टर साहब? जी जी एग्जैक्टली। अम्मा उसके बाद हमने ये शिव का फोन चेक किया तो देखिए हमने क्या देखा। ये देखिए, इस लड़की ने ऐसा कुछ भेजा था जो शिव ने डिलीट किया है। सब कुछ इसी लड़की का किया करा है। भैया ये देखिए, भैया इसी ने कुछ किया है। इसका मतलब शिव ने वो वीडियो देखा ही नहीं। मेरा मानना है शक्ति जी ने डॉक्टर शिव को कुछ ऐसा भेज दिया जिसे देखकर डॉक्टर शिव को शॉक लगा, वो बेहोश हो गए, तभी वो बेहोशी की हालत में शक्ति शक्ति बुला रहे थे, शायद मिलना चाह रहे हो। क्या भेजा तुमने, क्या भेजा तुमने शिव को? ऐसा क्या भेजा तूने उसे जिसका उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि वो बेहोश हो गया? तुम उसे चैन से जीने दोगी या नहीं? अरे तुम उसकी पत्नी हो या उसकी दुश्मन, हमारी बात का जवाब दो, चुप क्यों हो?
परफेक्ट। अगर हर जगह के दो चार लोग खरीद लो तो फायदा तो होता है, जब चाहे उन्हें काम पे लगा दो, इन्वेस्टमेंट की पूरी वैल्यू रिटर्न हो जाती है। दादी जी जो भी है ना वो डॉक्टर शिव खुद बता देंगे, लेकिन इस वक्त हमारा डॉक्टर शिव से मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज शक्ति यहीं रुक जाओ। तुम अंदर नहीं जाओगी।